अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे? काफ़ी टाइम के बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और आज मेरा है प्रोसीजर, छोटा सा सर्जरी है, तो अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और बस हॉस्पिटल चलते हैं। और हम लोग अभी टाइम हो रहा है 8 बजे, तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी सर्जरी खैरियत से हो जाए। अभी हम आए हैं साउथ सिटी के रूम में और ये आज के लिए मेरा रूम है और फिर सर्जरी के बाद मैं ही आऊँगी दोबारा। तो आप सबने दुआ करनी है मेरी सर्जरी खैर से हो जाए और मेरे कान फिर से सही हो जाए कि मैं सही तरह सुन सकूँ। तो अभी हम आ गए हैं अपने रूम में और थोड़ी देर में नहीं, सर्जरी मेरी होगी 3 बजे और अभी मेरे टेस्ट वेस्ट होंगे कुछ। और अभी मैं बस, मुझे नींद आ रही है बहुत क्योंकि कल रात हम बहुत देर से सोए थे और बस हम अपने रूम में आ चुके हैं। बिलाल पढ़ रहे हैं अभी वो, और मैं थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी और अब इसके बाद ये बार बार आ रहे हैं टेस्ट करने, कभी कुछ करने हैं, तो अभी थोड़े से टेस्ट होंगे मेरे और फिर उसके बाद देखें क्या होता है। और बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा कान सही हो जाएगा और मुझे सब कुछ सुनाई देगा उसके बाद। तो ये जो लेफ्ट वाला कान है ना, इसमें मेरे इशू हुआ हुआ है, तो वो सही हो जाएगा। और बस अभी हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, डॉक्टर भी अभी नहीं आए हैं और बस अभी चल कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी हम आ चुके थे, अभी नहीं आ चुके, मैं आ गई थी 7 बजे, शायद 6-7 बजे। और जब से मैं बस सो ही जा रही हूँ क्योंकि एनेस्थीसिया दिया था और उसकी वजह से आपको बहुत नींद आती है। और ये मेरे कान में अभी इन्होंने कॉटन लगाई हुई है सारी, क्योंकि एक हफ्ते तक अब इसमें पानी नहीं जाना चाहिए और कुछ जाना नहीं चाहिए अंदर। तो ये है, शोर मुझे अभी भी हो रहा है लेकिन वो कह रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी मुझे आवाज़ आ रही है। बीपी मेरा काफ़ी लो है अभी तक, तो इसलिए हम रात के 10 बजने वाले हम घर नहीं गए। तो बीपी थोड़ा सा ऊपर आ जाए, स्टेबल हो, फिर हम जाएंगे घर। और क्योंकि मुझे बस अब दिल चाह रहा है सो जाऊँ, जाके सिर्फ सो जाऊँ और यहाँ रुकने का भी हमारा मूड नहीं हो रहा कि एक और रात यहाँ गुजारें। तो बस हम वेट करते हैं और क्या है, और बस यही अपडेट है। और क्या हुआ था मुझे, कब से हुआ था वो मैं फिर आपको बताऊँगी कि अभी तो मैं फुल टाइम टोन चल रही हूँ, टोन ना मुझे कुछ खाने का दिल चाह रहा है ना पीने का भी। तो ये है, ये आया है मेरा फूड जिसमें सूप है, ये कोई पॉरिज टाइप है, ये आपका दाल है, ये आपकी साइबर पुडिंग है एंड रेड है जो मेरा खाने का भी दिल नहीं चाह रहा। तो चलें थोड़ा बहुत खाते हैं। तो अभी मैं खाना खा चुकी हूँ और बस हमारे डिस्चार्ज पेपर तैयार हो रहे हैं। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे? आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मैंने बीच में व्लॉग करा था लेकिन उस पर ये हुआ था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी। और फिर उसके बाद मेरे जो मेरे साथ मसला हो रहा था, मेरे साथ एक साल से मसला था कि मेरी जो कान है लेफ़्ट का जो मेरा है उसमें मुझे हेयरिंग का इशू आ रहा था और हेयरिंग मुझे काफ़ी मसला कर रही थी, मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। और जब मैंने टेस्ट कराए थे
डॉक्टर से, और सारे जो प्रॉपर टेस्ट हुए थे उसमें ये हुआ था कि मेरी जो लेफ्ट का ईयर है इसका ना 20% मेरा हेयरिंग लॉस हो रहा था, और अब मुझे बहुत इशू हो रहा था कि अगर कोई बोल भी रहा था ना तो मुझे सुनाई नहीं देता था लेफ़्ट साइड से। तो नहीं, मैं फ़ोन यहाँ से बिल्कुल नहीं सुन सकती, मुझे आवाज़ नहीं आती है, और बहुत सारी चीज़ों में हो रहा था कि मुझे ऊंचा सुनना पड़ रहा था। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जो एयर है उसमें बहुत ही रेयर होता है केसेस में कि आपके जो कान होता है उसमें बोन ग्रो कर जाती है बहुत छोटी सी, जो आपको ब्लॉक करती है आपकी हेयरिंग के लिए ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हेयरिंग लॉस होता है फिर हम जाके सर्जरी कर सकते हैं, थोड़ी जो ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम वाले लेवल पे सर्जरी कर सकते हैं, या फिर आप हेयरिंग एड लगा सकते हैं। तो उस वक्त मुझे इतना इशू नहीं हो रहा था, लेकिन अब जाके मुझे बहुत हो रहा था। तो फिर अभी मैंने एक और डॉक्टर को दिखाया, वो होते हैं साउथ सिटी में। सो उन्होंने मेरा प्रॉपर जहाँ होता है ना जिनको ये हेयरिंग लॉस के इश्यूज होते हैं वहाँ से मेरा टेस्ट करवाया, और उन्होंने प्रॉपर मुझे चेक करके बताया कि मेरा जो एयर है उसके अंदर या तो फ्लूइड जमा हो गया बहुत ज़्यादा, और वो फ्लूइड ये वैक्स नहीं है, ये फ्लूइड आपके काफ़ी 1 साल से 1.5 साल से जमा हो गए वो लाइक थिक हो गया है, ग्लू टाइप हो गया है, जो अंदर ब्लॉक कर रहा है मेरी हेयरिंग को, और उसकी वजह से आपको फिर ये होता है कि आगे चल के आपको इन्फेक्शन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैंने फिर ये किया कि वो टेस्ट कराया, फिर उसके बाद उन्होंने वो अलर्ट मेरा जो सर्जरी थी उसका डेट दी, और लास्ट फिर सैटरडे मेरी सर्जरी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी श्योर है हियरिंग, मैं दोबारा डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर हम एक टेस्ट कराएंगे। अभी भी हियरिंग प्रॉपर वैसी वाली नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत शायद है फ़र्क। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये जो सर्जरी हुई थी इसमें उन्होंने मुझे लाइक प्रॉपर एनेस्थीजिया दे के मेरे जो एयर है इसके अंदर उन्होंने ट्यूब होती है छोटी सी बिल्कुल, वो इंसर्शन करके अंदर ट्यूब डाली है, फॉर 6 मंथ्स वो रहती है, और ये होता है कि 6 मंथ के बाद या तो वो खुद निकल जाती है, और अगर उस टाइम पे मेरी हेयरिंग का ये इशू सही रिजॉल्व नहीं होता देन फिर ये होगा कि वो मेरा जो प्रॉपर एयर ड्रम है उसको उसके अंदर वो सारा करके उठा के और फिर अंदर कुछ सर्जरी वर्जरी करेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल डॉक्टर्स वाली कुछ लैंग्वेज थी जो हम लोग को नहीं समझ आती, तो खैर वो होगा। तो ये थोड़ी सी सब चीज़ें चल रही थी, उसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो काफ़ी टाइम का मैंने लंबा ब्रेक ले लिया था और व्लॉग्स नहीं बना रही थी, तबीयत सही नहीं थी इसलिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग दुआ भी कीजिएगा मेरे लिए भी कि मेरी ये चीज़ सही हो जाए। तो उसकी वजह से ये सब हो रहा था कि आपको बॉडी पेन, आपका सर भारी, फीवर, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही थी, और ये होता है कि जब भी आपका एयर या ये यहाँ का कोई इशू होता है ना तो आप डिसबैलेंस होते हो, आपका माइंड सही तरह नहीं एक जगह काम कर पाता, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो अभी थोड़ा बेहतर है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं करूँगी कि वही व्लॉग वाली हम रूटीन स्टार्ट कर दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वो फिर मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आज है नहीं बल्कि आज हमारे ऑफिस में सेलिब्रेट हुआ था 14 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त आ रहा है मंडे को और मंडे ऑफ होगा, तो आज फ्राइडे को हमने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया था, तो इसलिए मैंने आज ग्रीन पहना था, ग्रीन और वाइट सब ने पहना था। तो ये सब चल रहा है, और क्या लाइफ में चल रहा है, और थोड़ी मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, उनके कुछ टेस्ट हुए हैं, तो उनके लिए आप लोगों ने ज़रूर 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 बहुत सारी दुआ करनी है। कल उनको मुझे लेके जाना है डॉक्टर के यहाँ, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, कुछ उनके टेस्ट सही नहीं आए, तो प्लीज़ 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 आप उनके लिए बहुत सारी दुआ करना, बहुत सारी। और इसी तरह बस हम ब्लॉग्स बनाते रहेंगे और फिर से हम एक्टिव हो जाएंगे, और इधर उधर जहाँ भी हम लोग कुछ जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे, सो वो सारी चीज़ें करेंगे। और फाइनली कराची का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, इतना मज़े का हो रहा है ना कि आपको फ़ैन में भी ना सर्दी लग रही होती है, मेरी वैसे तबीयत तो डाउन थी तो वैसे लग रही थी, लेकिन वैसे भी वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी, तो ये था, मैंने कहा आपको आके थोड़ा सा अपना अपडेट दे दूँ कि क्या हो रहा था, इतना जो लंबा ब्रेक आ गया, तो मैं कहाँ थी, क्या क्या किया क्या नहीं किया। सो अब से ये है कि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना आप सबने बहुत ख्याल रखना है,
और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।